फकर जमान की बैटिंग देखकर कप्तान बाबर आजम बहुत खुश दिखे। जी हाँ दोस्तों, आज फकर जमान की टीम में वापसी हुई है और इस मौके का भरपूर फायदा उठाया फकर जमान ने। बहुत दिनों से पाकिस्तान को वो शुरुआत नहीं मिल रही थी जिससे कॉन्फिडेंस मिले, लेकिन फकर जमान के आते ही वो शुरुआत भी मिली और बहुत तेज मिली। दोस्तों हमें पता है फकर जमान एक अग्रेसिव बल्लेबाज है, जब तक पिच पर रहते हैं लगातार बाउंड्री मारते हैं। ये पाकिस्तान का इकलौता ऐसा बल्लेबाज है जिसने दोहरा शतक मारा है, लेकिन खराब फॉर्म के बाद फकर जमान को ड्रॉप कर दिया गया था। आज काफी बाद दोबारा मौका मिला है और इस मौके का सही फायदा उठाया फकर ने। दोस्तों क्या अभी भी कोई उम्मीद है पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलने की? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।